सो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। जो लोग हॉस्टल वार्ड आने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लासेस हैं। कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से होगा, ठीक है। कंप्यूटर से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे हॉस्टल वाडा में, जो कि आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, स्ट्रक्चर चार्ट किस प्रकार का टूल है? जो स्ट्रक्चर चार्ट है किस प्रकार का टूल है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉजिकल डिजाइन, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा लॉजिकल डिजाइन। देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको छात्र और शिक्षक की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल मदद करेगा, ठीक है। बिल्कुल, सीता बोल रही है कि देखिए मैथ्स की क्लास शाम 5 बजे हो चुकी है और कंप्यूटर की क्लास 9 बजे होती है। देखिए, जो कंप्यूटर की क्लास होती है 9 बजे होती है और मैथ्स की क्लास होती है 5 बजे होती है, ठीक है। डेली क्लास कराया जाता है, जुड़ जाइएगा। 2 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि पीसी क्या है? पीसी का मतलब होता है पर्सनल या फिर काउंट, ठीक है। तो इसको प्रोग्राम काउंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोग्राम काउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, प्रोग्राम काउंट, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लें। बिल्कुल डेली क्लासेस कराया जा रहा है, कंप्यूटर के ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तीसरा है, कंप्यूटर के असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? देखिए, जो कंप्यूटर का असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का जो काम करता है वो है ऑप्शन ए, असेंबलर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा असेंबलर, ठीक है। नोट करते हुए चलिएगा, इसका पीडीएफ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कहता है, सीडी आएगा ना, यहाँ पर सीडी है, ये इसकी जगह क्या होगा? सीडी और ये ROM, ठीक है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीडी रोम का पूर्ण रूप होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। तो जो कि ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन बी हो जाएगा, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबंटू किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बिल्कुल प्रश्न 3 से 4 नंबर अवश्य आते हैं, ठीक है। तो उबंटू किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो उबंटू किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। इसके बाद देखेंगे, टेलीफोन नंबर, जन्मदिन, ग्राहक का नाम आदि किसका उदाहरण है? ये जो टेलीफोन नंबर है, जन्मदिन है, ग्राहक का नाम है, ये किसका उदाहरण है? तो ये, हाँ बिल्कुल बताइए, ये किसका उदाहरण है? फाइल का है। देखिए, एक फाइल होता है, ठीक है, एक फाइल होता है जो टेलीफोन नंबर होता है, जन्मदिन, ग्राहक, ये बहुत सारे उदाहरण है इसका, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जो लोग हॉस्टल वाड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लासेस है। 7 क्वेश्चन है कि वह डिवाइस जो BCD से 7 सेगमेंट सिस्टम में बदलता है, मतलब वह डिवाइस है जो BCD से 7 सेगमेंट में क्या बदलता है? तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा? 7 का बी होगा, डिकोडर। जो डिकोडर है ना, तो 7 सेगमेंट में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश कहाँ उपस्थित रहते हैं? जो आदेश करते हैं वो कौन से में उपस्थित रहते हैं? तो इसका आंसर बी होगा, रोम। यानी कि रोम का मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? नोट कर लीजिएगा इसको, रीड ओनली मेमोरी। जो किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक यानी कि आदेश पर ही उपस्थित रहते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, मैथ्स क्लास 5 बजे होती है और कंप्यूटर जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। जो कंप्यूटर की क्लास है 9 बजे होती है जी, ओके। हाँ देखिए, रीता कहती है मैथ्स की क्लास कल सुबह नहीं हो पाएगा ना, शाम को ही होगा। संबंधित फील्ड का समूह क्या कहलाता है? जो संबंधित फील्ड का समूह क्या कहलाता है? आपका आंसर सी होगा, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कहलाएगा ना, ठीक है।
DSL किस प्रकार का कनेक्शन है, जो DSL है ये किस प्रकार का कनेक्शन है, तो इसका आंसर सी होगा, स्लो, SLO, ठीक है, स्लो। ये है किस प्रकार का कनेक्शन है DSL, इसका संबंध किससे है, DSL से है, ठीक है, इसका संबंध स्लो से है। देखिए इसके बाद इनमें से अलग पहचानना है आपको, अलग क्या है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा, ऑप्टिकल डिस्क। देखिए भंडारण टेप स्मृति अलग है, चुंबकीय डिस्क स्मृति अलग है, ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल डिस्क ये दोनों सेम है, लेकिन ये इनसे अलग है, ठीक है, ये क्या है, अलग है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इनमें से कौन सा अलग है, पहचानिए जल्दी, तो इसका आंसर सी होगा ना, बिल्कुल राइट। देखिए यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है, कंट्रोल और जेड बटन दबाने पर क्या होता है, देखिए कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड बटन दबाने से क्या होता है, तो क्या होता है, इसका अंडू होगा ना, कंट्रोल प्लस जेड, देखिए आप लोग जब कंप्यूटर जब स्टार्ट किए होगे तो अंडू, रीड, कॉपी ये सब पढ़ोगे ना, कंट्रोल, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट ट्रिक पूछा जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका का इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP होता है ना, TCP/IP होता है, TCP/IP, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या होगा, ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आज के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रयोक्ता को ऑपरेशन की दृष्टि से सुविधाजनक सिस्टम कहलाता है, जो प्रयोक्ता को ऑपरेटम की जो सृष्टि होती है, ठीक है, ऑपरेटम की दृष्टि से सुविधाजनक सिस्टम कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी बताइए, बिल्कुल। हॉस्टल वार्डन की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, 2 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी है मोनू, ठीक है, 14 का आंसर ए होगा। देखिए यूजर फ्रेंडली होगा ना, जो प्रयोक्ता ऑपरेशन की दृष्टि से सुविधाजनक सिस्टम यूजर फ्रेंडली होगा। किसी वर्कशीट में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें को क्या कहते हैं, जो क्षैतिज होता है ये ऐसे टाइप का रहता है उसको क्या क्या कहते हैं, तो किसी वर्कशीट में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है ऐसे टाइप का रहता है ये वाला है ना, ये ऊर्ध्वाधर की होती है लाइनें, क्या कहलाती है, ग्रिड लाइन कहलाती है, ग्रिड लाइन कहलाती है, ठीक है, ग्रिड लाइन कहलाती है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा, जो तृतीय पीढ़ी होता है, चतुर्थ पीढ़ी होता है, ऐसे एग्जाम में पूछता है, तो हम देखेंगे आज का तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक, तो यह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, जो माइक्रो, कौन से कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, तो इसका आंसर सी होगा, इंटेल, ठीक है, इंटेल एक ऐसा कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर कंपनी बनाती है, ठीक है। लाइन दर लाइन किसी प्रोग्राम को ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया जाता है, देखिए लाइन दर लाइन जो किसी प्रोग्राम को ट्रांसलेशन किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा, इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोटोकॉल है या ऐसा प्रोग्राम है जो ट्रांसलेटर किसके द्वारा किया जाता है, लाइन दर लाइन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। टर्नकी सिस्टम क्या है, जो टर्नकी सिस्टम है, ये देखिए एग्जाम में तो ये पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, टर्नकी सिस्टम क्या है, ये टर्नकी सिस्टम जल्दी बताइए, ठीक है, इसका आंसर ये होगा, देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये हार्डवेयर हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गया, इसकी पूर्णता से, ये दोनों की पूर्णता से टर्नकी सिस्टम बनता है, ठीक है, टर्नकी जो सिस्टम होता है पूर्ण होता है। इसके बाद देखिए स्पैमिंग क्या है, स्पैमिंग ये वाला, स्पैमिंग क्या होता है, तो स्पैमिंग एक अनएथिक तकनीक होता है, अनएथिकल तकनीक होता है, क्या होता है, ऑप्शन बी होगा, अनएथिकल। देखिए अगर एक बार में आपको याद नहीं होता तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। वह बस जो सूचनाओं को प्रोसेसर में पेरिफेरल डिवाइस के बीच स्थानांतरित करती है, कौन सा, जो वह बस है जो सूचनाओं को पेरिफेरल डिवाइस के बीच स्थानांतरित करती है उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर ए होगा, डाटा बस कहते हैं, क्या कहते हैं, डाटा बस कहते हैं, ठीक है, डाटा बस कहते हैं, ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की, जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हार्ड कॉपी किसके तैयार की जाती है, प्रिंटर से, किससे तैयार की जाती है, प्रिंटर से की जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रिंटर द्वारा
डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी की तैयार की जाती है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, जो संप्रेषण नियंत्रण करता है मदरबोर्ड, ठीक है, ये मदरबोर्ड होता है जो संप्रेषण को नियंत्रित करता है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी टेबल में फार्मूला अपडेट करने के लिए, देखिए एक कोई एक टेबल होता है, ठीक है, मान लो जो टेबल बना लेते हैं, तो एक टेबल में फार्मूला अपडेट करने के लिए किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है, तो एफ बटन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहते हैं, एफ नाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो फार्मूला अपडेट करते हैं ना, एक ऐसे कॉलम बना रहता है, ठीक है, मान लो जाए एक ऐसा कॉलम बना रहता है, ठीक है, नोट समय ऐसा कॉलम बना रहता है, तो वहाँ पर आपको फार्मूला अपडेट करना है, जैसे 2, 3 जो भी हो आप फार्मूला होता है उसको अपडेट करने के लिए बटन का दबाते हैं, तो F9 का की का प्रयोग करते हैं। पेज फॉल्ट कब होता है, देखिए जब पेज फॉल्ट कब होता है तो इसका आंसर क्या हो सकता है, जब पेज मेमोरी में नहीं, एक मिनट ना, जब एक पेज, मान लो एक पेज है यहाँ पर, ठीक है, एक पेज है उसमें मेमोरी नहीं होता है, एक मेमोरी मान लीजिए एक मेमोरी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है पेज का फॉल्ट कब होता है, जब पेज मेमोरी में नहीं होता, जो एक पेज है उसमें मेमोरी उपलब्ध नहीं होता, ठीक है, नहीं होता ना वहाँ पर, यहाँ पर पेज में नहीं होता तो वहाँ पर फॉल्ट होता है, अगर यहाँ पर उपलब्ध होता तो फॉल्ट नहीं होता, ठीक है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए मैं आप सभी को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल बताइए प्रिंटर कितने प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तो वो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो कमेंट में आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। और प्रिंटर से कल आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, प्रिंटर क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है, ये प्रश्न में आपको हम बताएंगे कहाँ से प्रिंटर से पूछे जाते हैं। प्रिंटर से दो से तीन नंबर एग्जाम में पूछे जाते हैं व्यापम में, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ये सब क्या होता है कल के वीडियो में देखेंगे। और प्रिंटर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या होता है, देखिए एक पेन ड्राइव होता है, वो क्या होता है, एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई होता है, ठीक है, द्वितीयक भंडारक इकाई होता है पेन ड्राइव, ठीक। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, जो कार्य होता है पद्धति उसके आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार का होता है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कितने प्रकार का होता है कंप्यूटर, तो आप कमेंट में इसका भी आंसर जरूर बताएं, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं हाशर वार्डन की, उसके लिए बेस्ट क्लासेस है। एस एम टी पी प्रोटोकॉल क्या है, तो SMTP प्रोटोकॉल है, इसका आंसर देख, एक सर्वर के बीच ईमेल संदेश भेजने के लिए SMTP का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, SMTP का प्रयोग करते हैं, और SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में जरूर बताएं। यह सर्वर के बीच में ईमेल संदेश भेजने के लिए होता है, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देखिए सर्वर के बीच में ईमेल संदेश भेजने के लिए किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आपके प्रश्न 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, कल के वीडियो में आप नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, कल का वीडियो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है आज का 30 प्रश्न, कल आपको कराए थे 50 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। कंप्यूटर का, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना में की जाती है, कौन से गणना, बीट, एक बीट होता है, ठीक है, उसमें स्पीड गणना की जाती है कंप्यूटर का, तो आंसर भी हो जाएगा। यहाँ तक आपका 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, कल के 50 क्वेश्चन कराए हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आजकल इतना ही, चलो ठीक है, आजकल इतना ही, 30 क्वेश्चन डेली अगर क्लास करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड यानी कि कंप्यूटर से आपको रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।